और डाठी इश्क आतिश। रुहेर, वो मैंने एक बात सोच रही थी। क्या? हमें भी एक प्लॉट ले लेना चाहिए। क्यों? क्या मतलब क्यों? लोग प्लॉट क्यों लेते हैं? लेकिन हमें क्या जरूरत है? हमें जरूरत है, सारी उम्र हम अपने बच्चों के साथ यहाँ तो नहीं रह सकते ना। लेकिन ये हमारा ही घर है। नहीं तो, ये मम्मी का घर है, पापा ने उनके लिए बनवाया, जैसे तहरीम का शौहर उसके लिए बनवा रहा है, और जैसे मैं अब अपनी बीवी के लिए बनवाऊं। हाँ देखता हूँ, कुछ करता हूँ मैं। ज़ैन, वैसे फाइनल प्लान अप्रूव कराने से पहले ना मुझे एक दफा जरूर दिखा देना। क्यों? क्योंकि ये मेरा घर है, इसीलिए मेरी मर्जी से बनेगा। ओके ओके। अच्छा, मैंने ये सोचा है कि बीच में पैटियो होगा घर के, और घर के चारों तरफ लॉन जरूर होना चाहिए। क्यों भाई, तुमने घर में खेती बाड़ी करनी है? मुझे एक कमरा बनाना है। क्यों? मैं मेड वेड नहीं रखने वाला, समझे तुम? मेड के लिए नहीं है। फिर? जब हम दोनों की लड़ाई होगी तो बाहर तुम ही सोओगे ना। तहरीम। इसे कहते हैं फ्यूचर प्लानिंग। कैसा लगा आइडिया? बहुत ही बुरा। वैसे दूसरा कमरा है ना तुम्हारे लिए। देखो ना कितना प्यारा रंग है, पहली नजर में मुझे देखते ही लगा कि तुम पर बहुत जचेगा। और ये वाला भी देखो, बहुत प्यारा है, नफीस सा रंग है ना। जी अम्मी। शफक बेटा, क्या है बेटा, यूँ घुल घुल के तुम अपने आप को ख़त्म कर लोगी, और किसी को क्या फ़र्क पड़ेगा, वो तो अपनी जन्नतें बसाने में मसरूफ़ हैं, तुम क्यों घुल रही हो? जी। बड़ी हमदर्दी जाग रही थी तुम्हारे दिल में तहरीन के लिए, देख लिया, चली गई वो आराम से शहर। जानती हूँ, पूरी दुनिया में सिर्फ आप ही मेरी हमदर्द है। माशाल्लाह भाई, शफक के लिए नए कपड़े आए। जी भाई साहब, बस मैंने कहा मौसम बदल रहा है, कुछ कपड़े बना लो शफक के लिए। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, खूब पहनो, खूब खाओ पियो और अपनी जिंदगी जियो। उन्हें देखो, वो तो नया घर बना रहे हैं भाई। कौन नया घर बना रहे हैं? तुम्हें नहीं मालूम? अरे भाई, अकबर अली ने जैन अली को अपना शहर वाला प्लॉट दे दिया है, क्या तुम्हें नहीं पता? अरे चंद दिनों में वहां कंस्ट्रक्शन भी शुरू होने वाली है। कमाल है, अकबर अली ने तुम्हें कुछ नहीं बताया, जैन अली ने भी तस्करा नहीं किया। चलो मैं पूछूंगा उनसे। अच्छा मैं चलता हूं। नहीं, वो लोग तो नया घर बना रहे। आइए नूर जहां, बैठिए। क्या करूंगी बैठकर। क्या बात है? सोना बहू के लिए शहर में घर बनवा रहे हो तुम? आपसे किसने कहा? सारे जमाने को खबर है सिवाय मेरे। ऐसी कोई बात नहीं, आपको वहम हुआ है, कोई घर नहीं बन रहा। हाँ, दुनिया की सबसे बड़ी वहमी औरत तो मैं ही हूँ,
ऐसी बात नहीं है, जैन ने शहर में रहने की ख्वाहिश जाहिर की, वहाँ पे मेरा एक खाली प्लॉट पड़ा हुआ है जो उसी के नाम है, जाहिर सी बात है। तो मैंने उससे कहा कि तुम वहाँ पे घर क्यों नहीं बनवा लेते हो, अभी बिल्डर से बात करनी है, नक्शा पास होगा, बहुत वक्त लगेगा इसमें। तो ज़रूरत क्या है इस सब की, इतना बड़ा घर बार है, हवेली है, तहरीम यहाँ भी तो आराम से रह सकती है। मसला तहरीम को नहीं है, जैन ही शहर में रहना चाहता था। क्या वजह है? चाहता तो मैं भी ये था कि सब साथ ही में रहें, लेकिन इससे पहले कि दिलों में दरार पड़े बेहतर ये कि वो लोग अलग हो जाएं। दरार? कैसी दरार? जैन को यहाँ रहने में कोई मसले पैदा हो रहे हैं। शफक, तुम्हारा मूड तो ठीक है? ठीक हूं मैं। लिसन, मुझे लगता है कि तुम अभी भी मुझसे नाराज हो, क्या ये बात सच है? देखो शफक, मैंने जो कुछ किया तुम्हारा सोच के किया, तुम दोस्त हो मेरी, इसीलिए तुम बातें भी छुपाती हो मुझसे। क्या छुपाया है मैंने? तहरीन, तुम्हें क्यों लगता है कि गूंगी बहरी हूं मैं? और मुझे कभी पता ही नहीं चलेगा कि तुम्हारा घर बन रहा है। What? शफक, इतनी सी बात नहीं है। तुम ये बात छुपा रही थी मुझसे, या फिर तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे हसद करने लगी हूँ? कम ऑन, आई कांट बिलीव इट, तुम मुझ पर इतना मिसट्रस्ट करती हो, और तुमने ये सब कुछ खुद ही अज्यूम कर लिया। कुछ भी अज्यूम नहीं किया मैंने, जो सच है वो बता रही हूँ तुम्हें। देखो शफक, एक घर की छोटी सी बात हुई है, उसके आगे कुछ डिस्कस नहीं हुआ, और आई स्वेयर मैं तुम्हें बताने लगी थी। अब तो यही कहोगी ना तुम? बस रहने दो तहरीन, अभी भी कुछ बताने की जरूरत नहीं है। शफक प्लीज यार, ऐसे तो बात नहीं करो मुझसे, मैं सिर्फ सच बात करने लगी। कम ऑन शफक यार, तुम कम अज कम मुझसे बात तो ठीक से कर सकती हो। आई कांट बिलीव दिस। अरे अम्मी, मैं कहीं भी चला जाऊं, कितने लोगों को भी अपनी जिंदगी में शामिल कर लूं, लेकिन आपकी जगह तो कोई नहीं ले सकता ना, आप तो मेरी माँ है। रहने दो बेटा, जबानी कलामी माँ, वरना अपनी माँ से कोई छुपाता है कुछ? अरे अम्मी, मैं आपसे कुछ भी क्यों छुपाऊंगा, इतनी बड़ी बात मैं आपसे कैसे छुपा सकता हूँ? तुम शहर में घर बनवा रहे हो, ये बात मुझे अनवर अली से पता चल रही है, तो सोचो मुझे कितना दुख हुआ होगा। रियली सॉरी बढ़िया, मुझे आपसे बात कर लेनी चाहिए थी, बल्कि मैं तो घर की पहली ईंट भी आपके मुबारक हाथों से लगवाऊंगा। तो बस सरप्राइज देना चाह रहा था ना आपको। चलो बेटा, खुश रहो, बस अब मेरा दिल बहुत जल्दी बदगुमान होने लगा है। मैं समझता हूँ बड़ी अम्मी, लेकिन आपने तहरीम के साथ बहुत ज्यादती की, उसने बहुत खलूस से शफक के लिए कोशिश की थी। तुम्हें अच्छी तरह पता है शफक की हालत आजकल क्या है। अंदाजा है, शफक भी हमारी जिम्मेदारी थी, लेकिन थी नहीं, शफक तो तुम्हारी जिम्मेदारी है और हमेशा रहेगी। क्या तुम मुझे ऐसे में अकेला छोड़ दोगे? बिल्कुल भी नहीं बढ़िया, शफक मेरी हमेशा जिम्मेदारी रहेगी। जिम्मेदारी, फिक्र, फिक्र होती तो इस घर में तहरीन की जगह मैं होती। बाबा, प्लॉट की विड्थ एंड लेंथ के हिसाब से मुझे ये प्लान ज्यादा बेहतर लग रहा है। तुम सही कह रहे हो, क्योंकि इस तरह तुमको स्पेस ज्यादा मिल जाएगी और तुम अपना लॉन बेहतर कर सकते हो। क्यों देरी? बाबा, मुझे तो इस सारी चीज की कोई समझ नहीं है, तो जो आपको बेहतर लगे।
बाबा रोहिल ने जिस कॉन्ट्रैक्टर का बताया था वो भी ठीक ही है, लेकिन लेकिन आप भी किसी से कंसल्ट कर लें। वो रोहिल वाला कॉन्ट्रैक्टर अच्छा है, लेकिन अगर तुम चाहते हो तो एक दो लोगों से और बात कर सकते हैं। जी ठीक है, एक दफा कॉन्ट्रैक्टर डिसाइड हो जाए तो फिर नेट अमाउंट का अंदाजा लगाया जा सकता है, उसके अकॉर्डिंगली सब ब्रेक डाउन कर लेंगे। ठीक है। अरे आओ शफक, तुम भी आओ, अपने ओपिनियन दो। हाँ आओ ना शफक। मैं क्या ओपिनियन दूँ, मेरे ओपिनियन की वैल्यू ही क्या है, आप लोग बेहतर जानते हैं। वो मेरा मतलब था कि आपका घर है, आप बेहतर जानते होंगे कैसा बनना चाहिए। मुझे किसी के घर से कोई दिलचस्पी नहीं। शफक बेटा, ये सब लोग इतने खुश और मुतमईन कैसे हैं? इनके नजदीक तो जैसे कोई बात ही नहीं हुई, और यहां मैं हूं, मुझसे ये सब कुछ भुलाया ही नहीं जा रहा। ऐसा क्यों है आखिर, क्यों मैं आगे नहीं बढ़ पा रही? तहरीन वो भी कितनी खुश और मगन है, लेकिन मैं क्या करूं? कितनी भी कोशिश कर लूं कोई ना कोई ऐसी बात हो ही जाती है कि मैं शायद तहरीन ठीक कहती है, मुझे ज़हनी मसरूफियत की जरूरत है, वरना ऐसे तो मैं नहीं रह पाऊंगी। बहुत क्यूट है माशाल्लाह। ये आप किससे गुटी दिलवा रही हैं? इससे मत दिलवाइएगा। चुप कर जाओ तुम, अच्छा ही होगा ये मेरे पे जाए। अच्छा आराम से, कहीं गिराई ना देना। अम्मी मैं 2 साल की बच्ची थोड़ी हूँ, बेबी को तो संभाल ही सकती हूँ। अरे कोई मुझे भी तो दे दे मेरा बेटा। बस मैं तो चाहती हूँ अब तुम लोगों की भी प्यारी सी बेटी हो जाए और उसे मैं अपने बेटे की दुल्हन बना लूं। अब बचपन की मंगनियां तो अब रहने ही दे। ये खवातीन भी, बच्चा पैदा नहीं हुआ और ये मोहतरमा उनके लिए दुल्हन दूल। भाई जरा हमारे नवासे की शक्ल हमें भी दिखाओ, वहां जरा चादर। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। बाबा देखिए ना किस पे गया। भाई इतना खूबसूरत है, जाहिर है हमारी बेटी पर ही गया। वाह मामा, लाओ मुझे दो। अल्लाह मेरा प्यारा सब बच्चा। नूरजहां ये कुछ आपके लिए और शफक के लिए तोहफे। क्या जरूरत थी इस तकल्लुफ की? जरूरत तो थी, अल्लाह पाक ने इतनी बड़ी खुशी दी है, ये तो बनता था ना। चलो मुबारक हो। वैसे मैं सोच रही थी कि तुम्हें जो चाहिए था आखिर मिल ही गया। ये तो सब किस्मत के खेल है नूरजहां, वरना लोग तो चाहते हैं कि दूसरों से सब कुछ छीन ही लें, किसी के पास कुछ ना छोड़, लेकिन किस्मत से कोई नहीं लड़ सकता। वैसे किस्मत पर इतना नाज नहीं करना चाहिए, अगर पलट जाए तो इंसान सोचता ही रहता कि ये हो क्या गया। चलो खैर फिर भी मुबारक हो तुम्हें। अब तो मैं ये चाहती हूँ कि अल्लाह ताला ज़हन अली को भी एक चांद से बेटे से नवाज दे। हो जाएगा इंशाल्लाह, क्यों नहीं। और वैसे भी दिन ही कितने हुए, अभी तो उनके खुद खेलने कूदने के दिन। खैर काफी वक्त गुजर गया अब तक, तो हमारे यहाँ तो पहले साल ही औलाद हो जाया करती है। नूरजहां ये सब अल्लाह ताला के काम है और वो घर की रिवायात देख के काम नहीं करता। खैर तहरीम की भी गोधरी हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला, ये देखो तो सही ना। तो
अभी खोलती हूँ, तुम बैठो, मैं खाने का इंतजाम देखती हूँ। देख लिया कितना सगा समझती थी तुम सबको, दो मिनट में, दो मिनट के अंदर तुम्हें औलाद ना होने का ताना दे दिया। मुझे तो समझ नहीं आ रही नूरजहां बेगम की परेशानी क्या है इनको, ये बीवी हो जाएगी औलाद है? अपनी बेटी पता नहीं किस आस पे बिठा के रखी हुई, जब उसकी शादी हो फिर मैं पूछूंगी इतने सालों में औलाद होती। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मैंने तो इस बारे में कभी कुछ सोचा ही नहीं, कभी सोचना भी नहीं। ये कौन सा दौर है बेटे, कौन सा दौर जा रहा है कि शादी के पहले ही साल औलाद जो है वो सास की गोद में ले जाके रख दी जाए तोहफे के तौर पे, बस ना वक्त भी तो नहीं गुजरा। हाँ तो गुजरा मेरे पास, अभी तो यही कह रही हूँ, ऐसा कौन सा वक्त गुजर गया, तुम इनको क्या परेशानी, जब अल्लाह ताला चाहेंगे ना तो मेरी बच्ची को औलाद की नियमत से भी नवाज देंगे, बस ठीक है ना, मैं हूँ बच्चा। मुमताज आई थी, ये तुम्हारे लिए और जैन अली के लिए शॉलें दी गई थी। अच्छा अच्छा, खैर से वो तो दादी बन गई भाई। मैं सोच रही थी कि पता नहीं हमारे यहाँ क्या हो रहा है। क्या मतलब? जैन और तहरीम की शादी को एक साल होने को आया है, अब तक औलाद नहीं हुई। सोच रही हूँ उसे किसी दिन डॉक्टर के पास ले जाऊं और दिखाऊं, क्योंकि मसला हो तो इलाज करवा सके। रुझा, लेकिन ये अल्लाह की मर्जी पे होता है और इंशाल्लाह अल्लाह करम करेगा हमारे यहाँ। हाँ तो ठीक है, लेकिन तुम भी जैन से जरा बात करके देखो। मैं कैसे बात करूंगा, ये अच्छा लगूंगा बेटे से ऐसी बात करते हुए? खैर ऐसा भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन चलो रहने दो, मैं खुद ही बात कर लूंगी, माँ हूं उसकी मैं, मेरी हर बात सुनता है। चलिए जैसा आप मुनासिब समझिए। को ना अब अपनी फैमिली प्लान कर लेनी चाहिए, बहुत हंसना खेलना हो गया। पता है बच्चों की एक अपनी रौनक होती है, फैमिली कंप्लीट हो जाती है। बच्चे मुझे पसंद हैं लेकिन इतनी जल्दी नहीं, लेकिन जब भी अल्लाह ने दिया तो कबूल करेंगे। तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं, घर का काम कहां तक पहुंचा? हां कल ही कॉन्ट्रैक्टर से बात हुई थी, एक हफ्ते पहले उसने शुरू कर दिया है, ग्राउंड फ्लोर पे काम हो गया है। जबरदस्त। मीठा खाना है? तहरीम? हाँ? ये आजकल किन ख्यालों में खोई रहती हो तुम? नहीं बस वैसे ही कुछ सोच रही थी। क्या सोच रही थी? तुमने नोटिस किया है जब से भाई के वहां बच्चा हुआ है सब हमसे भी एक फैमिली की एक्सपेक्टेशंस रखने लग गए हैं। हाँ तो लोग तो बातें करते ही हैं ना, इट्स नॉर्मल। तुम्हें लगता है कि हमें किसी गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए? यू नो कोई प्रॉब्लम हो तो? तहरी मुझे हैरत हो रही है कि तुम ऐसी बातें भी सोच सकती हो, बैठे बिठाए तुम्हें खामखा ही वहम हो रहे हैं। ये वहम की क्या बात है जैन,
लोग तो शादी के एक महीने बाद जाते हैं कंसल्ट करने के लिए गायनेकोलॉजिस्ट से, तो हम क्यों नहीं जा सकते? तो बिल्कुल पागल हो, बैठे बिठाए पता नहीं क्या सोचती रहती हो। ये मेरी बात का जवाब नहीं है सर। अच्छा चले जाएंगे, खुश? बहुत खुश। ठीक है, मैं अपनी फ्रेंड से पूछती हूँ किसी अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट का। परफेक्ट, अब मीठा खा सकते। क्या खाओगे? गाजर का हलवा, गरम गरम। बेस्ट। सेन तुम हो वैसे बहुत ही क्यूट। तहरीन कहीं गई है बेटा? वो खुरतलन के पास गई है शायद। अच्छा अच्छा, तुम दो दिन के लिए आते हो लेकिन पलक झपकते में वक्त गुजर जाता है, मेरा दिल ही नहीं भरता। बड़ी अम्मी जॉब का मामला है, क्या करूं? हाँ ये तो है। अच्छा एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? बड़ी अम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं, मैंने आपकी आज तक किसी भी बात को बुरा मनाया है क्या? नहीं, अल्लाह का बहुत शुक्र है मुझे इतना अच्छा बेटा दिया खुदा ने। मैं ये कह रही थी कि तुम्हारी शादी को एक साल होने को आया है और तहरीन की गोद अभी तक खाली है, तो किसी डॉक्टर के पास ले जाओ ना उसे। भाई औलाद होने में देर नहीं होनी चाहिए। बड़ी अम्मी हम देखो ना, तुम इन नजाकतों को नहीं समझते, तुम तो मर्द हो, लेकिन मैं तुम्हारी माँ हूँ, मेरा बहुत जी चाहता है तुम्हारी औलाद को देखूँ, उसकी खुशियाँ देखूँ, अपनी गोद में खिलाऊँ, और फिर इस घर को भी तो वारिस चाहिए ना। जी। तो तुम फिर अपने तरीके से तहरीन को समझाओ और किसी अच्छे से डॉक्टर के पास ले जाओ। बेटा ये लो, यहाँ साइन करो। ये किस चीज के पेपर्स हैं बाबा? बेटा ये तुम्हारे प्लॉट के पेपर। सच? ओह गॉड, मैं तो समझ रही थी आप भूल गए होंगे। क्या ऐसा पॉसिबल है? सवाल ही पैदा नहीं होता। ओ बेटा ये उस लोकेलिटी का बेस्ट प्लॉट है जहाँ जैन अली अपना नया घर बना रहा है। ये तो और भी अच्छी बात है, लेकिन आपने पहले जिक्र क्यों नहीं किया इस बात का? बेटा जी मैं इंतजार कर रहा था कि नाना बन जाऊं और नाना बन के तुम्हें ये गिफ्ट करूं। थैंक यू सो मच बाबा। लेकिन एक बात का ख्याल रहे, कुछ अरसे तक इसका किसी को पता नहीं चलना चाहिए, किसी को भी। आप फिक्र ही मत कीजिए, ये बात भी राज रहेगी। ये तीन पेपर इसके नीचे और हैं, आपको भी साथ। थैंक यू। कब वापस आ रही हो? अभी तो बहुत दिन है, क्यों मेरी याद आ रही है? हाँ मुझे मेरा बेटा बहुत याद आ रहा है। अच्छा फिर तो मैं बिल्कुल भी नहीं आ रही, बेटे की याद आ रही है और बेटे की माँ की कोई फिक्र नहीं है। नहीं यार तुम भी बहुत याद आ रही हो। बस रहने दे मियाँ साहब, देख लिया आपकी मोहब्बत, बेटा होते बीवी को भूल गए। अरे यार नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसे आज क्या खास बात है? हाँ है कुछ बात। मुझे नहीं बताओगे? आपको क्यों बताऊं? मुझे तुम बहुत याद आ रही हो, आप ठीक है? अच्छा सुनो, बाबा ने मुझे एक प्लॉट दिया है। क्या मतलब? मतलब साफ है, चाचा जान ने अपने बेटे को प्लॉट दिया तो बाबा ने अपनी बेटी को दिया, सिंपल। तुमने कुछ कहा तो नहीं था मामू से? क्या हो गया रोहेल, मैं बाबा से क्यों कहूंगी? और अगर मुझे बाबा से मांगना होता तो मैं आपके सामने ख्वाहिश क्यों जाहिर करती? बाबा ने समर की पैदाइश पे तोहफा दिया। ठीक है। क्या बात है, आप खुश नहीं हुए? नहीं मुझे क्या प्रॉब्लम है यार, अच्छी बात है। तहरीम कैसी है? तहरीम बिल्कुल खुशबाश है, समर के साथ खेल रही है। समर तंग तो नहीं करता? कुछ पता भी है आपको?
भाई साहब ने अपने नवासे को प्लॉट गिफ्ट किया है। प्लॉट? आपको किसी ने बताया? रोहेल ने। चले अच्छी बात है, कम से कम हमारा पोता जो है वो पैदा होते साथ ही जायदाद का मालिक हो गया। शुक्र है अल्लाह, मालिक का बड़ा एहसान। बस सजाद, अब तो मेरा ये दिल चाहता है कि हमारी बेटी की भी गोधरी हो जाए। आमीन। ताकि नूर जहां बेगम का तो मुंह बंद हो। अरे मुमताज, तुम नूर जहां बेगम की बातों को रहने दो ना। पर मुझे खौफ है कहीं फिर कुरतुल जो है वो रोहिल को ये ना कह दे कि घर बनवाओ और अलग हो जाओ। बन गई ना तुम टिपिकल सास। कुरतुलैन जो है पढ़ी लिखी बच्ची है, वो ऐसा क्यों करेगी? ये भी ठीक है तो मेरा ही खून मेरे भाई की बेटी है, और फिर हमारा बेटा तो हमसे अलग होने की बात कभी भी नहीं कर सकता, है ना? बिल्कुल। बीबी, काफी दिनों से मैं आपसे एक बात करना चाह रही थी। क्या हुआ? खैरियत तो है? क्या तुम्हारी गंदम बढ़ा दूं या तुम्हारे बेटे से बरात की चौकीदारी नहीं होती? हाँ, तुम्हारी बेटी के जहेज की फिक्र मत करना, इंतजाम हो जाएगा। अल्लाह आपको खुश रखे बीबी, आप तो बड़ा ही ख्याल रखती हैं, पर बात कुछ और है। क्या बात है? वो जी लोग हैं ना, बड़ी अजीब बातें कर रहे हैं शफक बीबी के लिए। क्या बातें करते? वो जी लोग कहते हैं कि आप ना शफक बीबी की शादी नहीं करेंगे मंगनी टूटने के बाद भी, और अक्सर औरतें तो उनके नसीब को बुरा भला कहती हैं। इन लोगों की इतनी जुरत कि मेरी बेटी के लिए बातें कर रहे हैं? और क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि शफक बीबी को बिठाए रखा है और आप उनकी उम्र निकाल देंगी। मनहूस लोगों की इतनी जुरत के मुंह भर भर के मेरी बेटी के बारे में बातें करें, आखिर ये बातें उन तक पहुंची कैसे? कसम ले लें बड़ी बीबी, मैंने किसी से जो एक लफ्ज कहा हो। मैं खूब समझ रही हूँ कि इस घर की बातें कौन बाहर फैला रहा है। तुम तो जानती हो ना कितनी ज्यादती हुई मेरी शफक के साथ। बड़ी बीबी, छोटा मुंह और बड़ी बात, शफक बीबी के ना आप कहीं रिश्ता कर दें। अरे शफक को रिश्तों की कमी थोड़ी, वो तो उसका दिल टूट गया जब से उसकी मंगनी टूटी। एक बार शफक और जैन की शादी हो जाए तो देख लूंगी सब। किसकी शादी? किसी की नहीं, तुम जरा मुझे इनके नाम तो बताओ, इनका दाना पानी बंद करूंगी ना तो सब ठीक हो जाएंगे। अच्छा, कपड़े सही से इस्त्री तो हो गए? ठीक है, ले जाकर अलमारी में रखो और उसमें खुशबू के पैकेट जरा तरतीब से, ठीक है? क्या हो रहा है? कुछ नहीं, शफक के जहेज के कपड़ों को धूप दिखाई थी, दोबारा अलमारी में रखवा रही हूं। मैं बैठ सकता हूं? बैठ जाओ। नूरजहां, मैंने शफक के लिए लड़का पढ़ा लिखा है, संजीदा मिजाज है और उसकी अच्छी खासी बड़ी बिजनेस है शहर में। शफक के लिए बराए मेहरबानी आप लोगों को कोई तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। जब अल्लाह चाहेगा, जब उसके नसीब में होगा, उसका रिश्ता हो जाएगा। अपने रिश्ते अपने पास ही रखें। चुप चुप क्यों हो? मुबारक ही दे दो मुझे। बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू, मुझे पता था तुम्हारी सारी दुआएं। बहुत बहुत मुबारक हो बेटा, अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे। थैंक यू। रेमी, आप भी तो कुछ बोलें। अरे बेटा, वो खुशी इतनी बड़ी है कि मेरी तो जुबान ही बंद हो गई। माशाल्लाह, अल्लाह मुबारक करे, अल्लाह नसीब करे खुशियाँ। अल्लाह का बड़ा एहसान है कि अब हमारे घर में भी वारिस आ गया है। बस तहरीम, अब तुम ज्यादा बाहर ना निकला करो, आराम किया करो, ऐसी हालत में ज़्यादा घूमना फिरना अच्छा नहीं है। जी बड़ी अम्मी। और हाँ अकबर अली भाई, मिठाई ये तो हमारे घर के लिए पूरी हो जाएगी, पूरे ख़ानदान के लिए ऐसी मिठाई बनवाओ जो किसी ने ना कभी खाई हो ना देखी हो। हाँ,
बढ़िया मैं अभी तो बहुत वक्त है। अरे वक्त की क्या बात है, जश्न तो अभी से शुरू होगा, कोई छोटी बात थोड़ी है। सफीरुल्लाह के यहाँ पोता आने वाला है, बस अल्लाह ताला खुशियाँ दिखाए और सब खैर खैरियत से हो जाए। आखिर को इस हवेली को वारिस मिल ही गया। अच्छा मैं अभी आती हूँ। इतना जश्न, इतनी मिठाइयाँ, बहुत ओवर तो नहीं हो जाएगा? नहीं यार अभी तो सब बहुत खुश हैं। क्यों बाबा? बेटा मैं आज बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। तुम इतनी खामोश क्यों हो? मुझे मुबारक ही दे दो। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। मुझे पता है तुमने मेरे लिए बहुत सारी दुआएं की हैं। चुप क्यों हो? मुबारक ही दे दो मुझे। बहुत बहुत मुबारक। नूरजहां मैंने शफा के लिए लड़का पढ़ा लिखा है, संजीदा मिजाज है और उसकी अच्छी खासी बड़ी बिजनेस है शहर में। जी बाबा, यहाँ पे भी सब ऐसे एक्साइटेड हो रहे हैं जैसे दुनिया का निराला बच्चा पैदा होने वाला हो। तो और क्या करें? किसी को भी तवक्को नहीं थी कि उनके औलाद भी हो जाएगी। हाँ ये भी है। नूरजहां चाची के ऊपर तो कयामत ही टूट पड़ी होगी, है ना? जाहिर है बेचारी। लेकिन बेटा तुम हमारा सोचो। क्यों बाबा, हमें क्या मसला होना है? होना है बेटा, बिल्कुल होना है। बस तुम दुआ करो कि जैन अली का बेटा ना हो, वरना हमारे हाथ से सब कुछ चला जाएगा। एक बात बताऊं, मेरा तो दिल कह रहा है बाबा उनके यहाँ बेटी होगी, और मैंने पहले ही जिक्र कर दिया अगर बेटी हुई तो मेरे बेटे की दुल्हन बनेगी। बहुत दूर अंदेश हो गई हो बेटा। होना पड़ता है। खैर आप ज्यादा स्ट्रेस ना लिया करें, देखते हैं क्या होता है बाबा। देखते। ये तुम्हें कैसे पता गर्ल है? तुम्हें कैसे पता कि बॉय है? वेल, मैं माँ हूँ, मुझे फीलिंग आ रही है। अच्छा मेरी जान, तुम्हें सब कुछ पता है बस। ठीक है। और क्या चाहिए? तो ये और एक वाइट। हाँ। और अब थोड़ी सी एक्सेसरीज ले ले। और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। बस कर दो, सब देख रहे। देखने दो। चलिए फिर एक्सेसरीज लें। हाँ श्योर। तुम्हें पता है ना तुम्हारा बहुत खर्चा होने वाला है आज। करवा लो। कहीं जा रहे हो क्या? अरे वो कचहरी से फोन आ गया था, जरा से कागजात जमा करवाने। अच्छा अच्छा चलो ठीक है, कोई बात करनी थी फिर कल कर लूँगी। नहीं नहीं आप बताइए क्या बात है। वो मैं ये कह रही थी कि देखो जैन अली को इस वक्त तहरीन को इस हालत में लेकर नहीं जाना चाहिए था, शहर ले गया उसे। परेशान ना होइए, थोड़ी देर के लिए गया है अपने दोस्त के वलीमा अटेंड करने के लिए, आ जाएगा अभी। कोई और बात भी करनी थी क्या? हाँ अकबर अली, मैं कह रही थी तुम लड़के वालों को बुलवा लो, कि मेरा ख्याल है कि शफक की शादी अब हो जानी चाहिए। तो इसमें इतना झिझकना कैसा? ये तो बहुत ही खुशी की खबर है। इतना दो टोक जवाब दिया था मैंने, ख्याल आ रहा था कि शायद
पता नहीं तुम क्या सोचोगे। मैं क्या सोचूंगा, मेरे बच्चों की खुशी तो सब कुछ है मेरे लिए, और इस मामले में मैं बहुत ज्यादा खुदगर्ज हो चुका हूँ। प्लीज यार। तहरीम बेटे, जैन तुम इसे समझाओ, शायद तुम्हारी बात समझ ले, मेरी तो सुन ही नहीं रही। फूफू मैं क्या समझाऊं, उसकी चीज है, उसकी मर्जी है। अम्मा कभी कभी तो मौका मिलता है नौलखा पहनने का, आप पहनने देती हैं आज, क्या होता है? अरे कभी तुम्हें मना किया है, तुम्हारा ही है, मैं क्यों मना करूंगी? लेकिन आज देखो ना, शहर के हालात तुम्हारे सामने है, इतनी दूर फार्म हाउस पे तुम लोग जा रहे हो, मना करते हैं। अम्मा कुछ नहीं होता, ये पहन इतनी प्यारी लग रही है, सब कुछ भी पहन के कभी किसी बड़े की सुन भी लेते हैं। और सच बताओ मेरे दिल में आज अजीब अजीब से वहम आ रहा है, लपा खैर से ले जाए, खैर से आओ, और इस हालत में इतनी टेंशन लेके जाओ, मैं भी यहाँ परेशान रहूंगी। हैं तहरीन प्लीज जल्दी करो, बहुत देर हो गई है। एक सेकंड तैयार हो जाए जरा, वो है इतनी प्यारी लग रही है, देखो मैं नजर उतारूँ जरा तुम लोगों की। बस रहने दे नजर वजर, देर हो रही है। ये क्या बात हुई? अरे Okay, bye. आ रही हूँ छोड़ने तुम लोगों को। नहीं ना जैन, मेरे कपड़ों की इस्त्री खराब हो जाएगी, वैसे भी मेरी तैयारी इतनी नामुकम्मल लग रही है मुझे, इतना दिल था मेरा नौलखा पहनने के लिए। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि पप्पू नौलखा देना ही नहीं चाहती। ऐसे क्यों कह रहे हो? बस ऐसे ही ख्याल आया तो कह दिया तुमसे। बहुत ही फिजूल ख्याल है। अच्छा प्लीज आहिस्ता चलाओ गाड़ी। यार तुम्हारी नौलखे की वजह से वैसे इतनी देरी हो चुकी है, मैं और देरी नहीं चाहता, हम कोई चीफ गेस्ट थोड़ी हैं। यार डाटी इश्क़ आ